अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायोन। लास्ट वीडियो में हमने अपनी न्यूज़पेपर ऐप डेवलपमेंट कोर्स में न्यूज़ फीड के पेज पे ये फॉर्म ऐड किया था और इसको बैकएंड के साथ सिंक किया था। मीन के यहाँ पे अब जब हम कुछ डाटा सेंड करते हैं, कोई भी डाटा, तो वो बैकएंड में प्रॉपरली सेफ होता है और बाद में फ्रंट एंड पे हमें यहाँ पे शो होता है। लेकिन इशू ये है कि ये देखें, पहले सेंड करने से पहले जो इसकी स्टेट थी वो ये थी कि कैटेगरीज में ये वैल्यूज थी, न्यूज और सोर्स में ये वैल्यू थी। अब जब मैंने देखा है तो कैटेगरीज की वो सारी वैल्यूज क्लियर हो गई। तो हमें इस चीज को अपडेट करना है कि कैटेगरीज की ये जो बेसिकली वैल्यूज हैं, वो जो पहले वैल्यूज थी वो सेट होनी चाहिए उसके साथ, ताकि उसको देखते हुए हमारी जो फ्रंट एंड और बैक एंड की स्टेट है वो एक सिंक में रहे। ये काम हम आज की वीडियो में करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहां पे ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और साथ ही कोड को भी ओपन कर लूंगा और इस कंपोनेंट तक आ जाएंगे। कंपोनेंट, और ये हमारा कंपोनेंट है। अब सबसे पहले ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं इनको डिपेंडेंट कर लेंगे इस चीज़ पे। तो मैं इस पे आ जाऊंगा और इसको सबसे पहले अपडेट कर लूंगा कि यहाँ पर जो चीज़ है मेरे पास वो है बैकएंड से जो आ रहा है। बैकएंड को भी ओपन कर लेंगे और रिसोर्सेज में ये हमारे पास आ रहे हैं। ओके, स्ट्रिंग, और क्योंकि ये नल हो सकती है, ये चीज। उसके बाद ये यहीं पे रहेगा, दैट्स इट। यहाँ पर अब मैं इसकी वैल्यू को लूँगा और इसको ख़त्म कर दें क्योंकि ये काम हम करने लगे हैं। तीनों को पकड़ा, न्यूज कैटेगरीज, न्यूज ऑथर्स, और इन तीनों को कहा कि इसको कर दो, अदरवाइज उसको सेट कर दो। जो अवेलेबल है उस चीज को सेट कर लिया जाए। और यहाँ पर ये आना था और ये यहाँ पे आना था, दैट्स इट। सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे और बेसिकली इस पेज को रिफ्रेश ही करना पड़ेगा चेंज को देखने के लिए। तो रिफ्रेश करते हैं और वेट करते हैं। जैसे ही ये फेच कर लेता है इसका डाटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब सेट हो रहा है। मैं इसी तरह इसको करता हूँ बिजनेस, और यहाँ पे दोनों को कर लेता हूँ सबमिट सेंड। ये हो गया, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि ये स्टेट मेंटेन होती है कि नहीं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टेट है वो सिंक में आ गई है। मीन के जैसे हमारी स्टेट आनी चाहिए थी सिंक में, उस तरह से वो सिंक में आ रही है। मैं यहाँ पे अगर इसको ऐड करता हूँ तो क्या ये अपडेट होती है? सेव और रिफ्रेश करते हैं और जैसे ही डाटा लोड होता है देखते हैं। ओके, यहाँ पे हो गया। अब हमने एक काम ये करना है कि ये जो स्टेट बेसिकली यहाँ से हमने कर ली है, सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़े से ऑथर जो है ना, दो तीन एक्चुअल ऑथर डालने इन एपीआई से, तो वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद बैकएंड की तरफ जाते हैं। ऑथर्स का डाटा वंस अगेन यहीं पे आ जाएंगे। इसमें ऑथर्स तो एटलीस्ट हैं, ये हैं, और इसको हमने कॉल भी किया हुआ है, तो मैं पोस्टमैन को ओपन कर लूँगा। और ऑथर को हमने, ऑथर का जो डाटा है वो ऑथर यूआरआई आई थिंक है थी इनकी, ऑथर यूआरआई अगर मुझे मिल जाए, फिल्टर्स, ऑथर यूआरआई ये रहे, जिसमें के स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग अरे का मतलब होता है कि भाई मल्टीपल वैल्यूज, इस टाइप की मल्टीपल वैल्यूज पास करो और वो स्ट्रिंग अरे बना देता है। एटलीस्ट इस एपीआई का ये काम है।
नेक्स्ट आते हैं, इसमें ऑथर का कोई काम है? सोर्सेस नहीं, इसमें ऑथर ये क्या है? ओके सॉरी, ये आर्टिकल्स है, मुझे नहीं, ये ऑथर है। ठीक है, खैर अभी के लिए सिर्फ उस एपीआई में इम्प्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट, इसमें कुछ है ऑथर का? सर्च कर लेते हैं ऑथर। नहीं मतलब ये रिजल्ट में दे रहा है लेकिन फिल्टर में ऑप्शन नहीं दे रहा। ऑथर ऑथराइज चला गया, नहीं। ठीक है, सिर्फ ऑथर को इसमें सेट कर देते हैं, दैट्स इट। कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर पोस्टमैन ओपन हो चुका है। ओपन करते हैं कलेक्शन, न्यूज़ आर्टिकल्स, ये ऑथर्स और ये। यहाँ से दो से तीन सिर्फ सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट हम यूज़र को कुछ प्रोवाइड ऑप्शंस, वैलिड ऑप्शन प्रोवाइड कर सकें, दैट्स इट। और वंस अगेन यहाँ से अपनी मर्जी पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ इस होप में कि होपफुली इसमें से कुछ ना कुछ हमें वो आ जाएंगे जो क्या कहते हैं ऑप्शंस। यूआरआई ये है, यूआरआई मुझे बैकएंड में चाहिए तो बैकएंड में मैं इसको स्टोर कर लूँगा। ओके, इसका हम बना लेंगे एक अभी के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे यूटिल्स में आता हूँ, हेल्पर्स में आ जाता हूँ और यहाँ पे सिर्फ स्टोर कर लेता हूँ, फिर बाद में देख लेंगे कि इसका क्या करना। नेम फ्रंट एंड में भी मैं यही स्टोर कर रहा हूँ, फ्रंट एंड में भी यही स्टोर कर रहा हूँ, बैक एंड में भी। अपने आसानी ज़रा कर लेते हैं, बाद में फिर देख लेंगे। यहाँ पे आके ये और मैं डॉट कॉम वाली यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए, सिर्फ इस वजह से कि आई थिंक के डॉट कॉम में ये मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स इट। मेरा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि चलें कुछ हमें फ्रंट एंड पे कोई चीज़ मिल जाए। ओके, अब ऑप्शंस में आते हैं और लेबल और ये चेंज कर देते हैं। इसी तरह से इसको कॉपी करते हैं, लेबल और ये चेंज कर देते हैं और एक और सेलेक्ट कर लेते हैं, लेबल और ये चेंज कर देते हैं फॉर नाउ, फॉर नाउ आई एम गोइंग विद ऑथर URI फॉर बॉथ लेबल एंड वैल्यू, बट वी कैन इम्प्रूव इट एंड शो डिफरेंट यूजर फ्रेंडली लेबल्स एंड लाइक अटैच them to these URIs। यहाँ पर चलें इसको कर ही लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा काम भी नहीं है ये, तो उससे ये होगा चलें थोड़ा बहुत देखने में अच्छा लगेगा। एसोसिएटेड प्रोसेस, क्योंकि लेबल तो वही था ना, उसके बाद ये क्योंकि अभी ये मसला हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यही कर रहा हूँ। ओके, अगर अभी करेंगे तो वो हमारा जो करंट लॉजिक है वो ख़राब हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे आते हैं और ये एग्जिस्ट नहीं करते तो इनमें से एक दो सिलेक्ट कर लेते हैं, तीनों सिलेक्ट कर ली हैं, सेव करते हैं और ये डाटा अपडेट हो गया।
डन हो गया। नेक्स्ट अब हम बेसिकली प्रॉपरली बैकएंड पे काम करेंगे, और ये जो हमने चीज़ें सिलेक्ट की हैं बिजनेस CTC ये जो चीज़ें हैं इनको हम प्रॉपरली जो ये न्यूज़ फीड की API है इसमें यूज़ करेंगे, ये काम हम नेक्स्ट करेंगे। मैं यहाँ पे बैकएंड में आ जाऊँगा और इसको यहाँ से कमेंट को ख़त्म कर दूँगा, इसको भी, और कंट्रोलर में आ जाऊँगा यहाँ पर न्यूज़ में, जो हमारे पास कंट्रोलर है ये वाला, इसमें हम इसको अपडेट करेंगे क्योंकि ये अब हमारा जो सोर्स है वो न्यूज सोर्सेज हो चुका है। उसके बाद न्यूज सोर्सेज, न्यूज कैटेगरी जो है वो न्यूज कैटेगरीज हो चुका है, ओके, और न्यूज ऑथर्स जो है वो न्यूज ऑथर्स हो चुका है ये चीज। और इसके बाद इस API को पहले अपडेट करते हैं, इसको अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ भी नहीं जा रहा, और इसमें बेसिकली खैर, तो सबसे पहले जो है इस API को अपडेट करते हैं। इस API को अपडेट अब कैसे करना है कि ये कैटेगरी जो है अगर तो ये है तो इस तरह, अदरवाइज, लेकिन अब मसला ये है कि अब मल्टीपल सिलेक्ट हो सकती हैं, तो यहाँ पर एल्स में अब चेक करना है कैटेगरीज। हमें इतना पता है कि जो इसकी बेसिकली हम इसको स्टोर जो करवा रहे हैं वो इस तरह करवा रहे हैं, यहाँ पे आके ये कॉमा सेपरेटेड, तो हम PHP एक्सप्लोर लाइक कॉमा पे, तो ये हमें ऑटोमेटिकली जो है ना अरे बना के दे देगा। तो वापस आते हैं यहाँ पे, एक्सप्लोर सेपरेटर जो है ये है, वैल्यू जो है वो ये है, और क्या है, खैर ये नहीं चाहिए। अब चेक करना है इसकी बेसिकली अरे लेंथ, ओके, PHP चेक अरे लेंथ, अच्छा काउंट या साइज ऑफ, ओके, इस सारे को आप PHP फिडल में टेस्ट भी कर सकते हैं, PHP फिडल, सॉरी ये एक ऑनलाइन PHP कहने के एडिटर है थोड़ी हमारी आसानी के लिए, इसको रन करते हैं, अभी एरर आ गए, सिंपली इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे कहते हैं एको ओके, और जो ग्रामरली है इसे मैं क्विट कर लूँगा, चलें ताकि मुझे नज़र आए कुछ, और एरर आ रहा है अभी भी यहाँ से, एरर पता नहीं क्यों आ रहा है। अच्छा जी कोई नहीं, PHP फिडर दूसरा कोई ट्राई कर लेते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे चाहिए क्या है,
लेट्स से कि ये है, ओके अब इसको मैंने एक्स लोड में रखना है और इसके साथ इसको करना है। अच्छा वार डम ओके, और उसके बाद इसका काउंट कर लेना डन, और यहाँ पे चेक भी कर लेना ग्रेटर देन वन बुलियन टू डन हो गया। तो यहाँ पे आके बेसिकली जब आप काफ़ी देर उसमें काम करते रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो फिर इस तरह के टेस्ट भी करने पड़ते हैं। वन इससे ये होगा कि ओके अगर तो एक से ज़्यादा है मतलब डिफरेंट कैटेगरीज की, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए PHP फॉर ईच लूप चाहिए मुझे। ओके ये कैट और क्यूरी URI ऐड करता जाऊंगा मैं, लेट्स से ये ही काम दोबारा होगा। इस दफ़ा बस ये चीज़ चेंज होगी, ये कैट हो जाएगी, दैट्स इट। यहाँ फिर एंड पे जो होगा एल्स वो जो भी कैटेगरी थी उसको एज इज दे दो, और यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो ठीक है एल्स ये कर दो, ठीक है। सोर्स भी यही होगा, सोर्स की अगर स्ट्रिंग लेंथ ज़्यादा है तो डन है, अदरवाइज ये कर दो। तो यहाँ पे ये तो मैं जेनेरिक अभी क्योंकि मैंने ये ऐड किया हुआ है टाइम सेफ्टी के लिए, अब यहाँ पे सेम यही काम होगा, तो इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लिटरली। ये वाला काम यहाँ से होगा और सोर्स URI इस दफ़ा होगी, और बेसिकली मैं फ्रंट एंड से सेंड क्या कर रहा हूँ, फ्रंट एंड से मैं सेंड कर रहा हूँ। ओके ये ठीक ही सेंड कर रहा हूँ डन, ये URI सही है। तो यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा सोर्स, ये हो जाएगा सोर्स, ये हो जाएगा सोर्सेज, ये हो जाएंगे सोर्सेज, और ये हो जाएगा SORC, यहाँ S कर लो, यहाँ आइटम कर लो जो भी करना है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये काम इस तरह हो जाएगा। ओके एल्स सोर्स URI इक्वल टू सोर्स, ये हो गया। उसके बाद ऑथर URI में भी सेम ही होगा, इसको कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो, ऑथर URI सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे ऑथर URI कह दो, यहाँ पे ऑथर URI कह दो, यहाँ पे ऑथर्स कह दो, यहाँ पे ऑथर्स कह दो, यहाँ पे ऑथर कह लो, यहाँ पे ऑथर कह लो, ये ख़त्म कर लो और यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये काम हमारा हो गया। अब ट्राई करते हैं चलता है कि नहीं चलता। एक चीज़ जो मैं देखना भूल गया वो ये थी कि मैंने फंक्शन को अपडेट किया,
लेकिन हाँ मैंने उसको भी अपडेट कर दिया, ये ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर मुझे एक बटन चाहिए जो कि इसको रीफेच करेगा, मतलब मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करना चाह रहा हूँ रीफेच डाटा का। तो फ्रंट एंड पे आ जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, हमारे पास ये है रेडिस यूआई पुल टू रीफेच, ये है नहीं, ये नहीं है, ओके। ये बेसिकली आयोनिक में था, आयोनिक काफ़ी अच्छी यूआई थी, लेकिन उन्होंने पता नहीं उसको क्यों नहीं अपडेट करा दे प्रॉपरली। ये इसमें बड़ा मुझे अच्छा लगता था, एक अच्छा कंपोनेंट था। खैर जब तक लोड हो रहा है, यहाँ पे आ जाएं यूज़र फीड, यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पर मुझे एक चाहिए फ्लैक्स और जस्टिफाई एंड और अलाइन सेंटर और बटन रीफेच डाटा। ऑन क्लिक रीफेच, और ये रीफेच होपफुली आप में से बहुतों ने गेस कर लिया होगा यहाँ से आ रहा हो, ये क्या चाहता है, वट एवर रीफेच डाटा ऑन रीफेच कर लेते हैं यहाँ पे। कॉन्स्टेंट दिस यूज कॉल बैक रीफेच, अगर कभी ये चेंज हो जाता है किसी वजह से, और रीफेच ये रहे। इसके साथ आ जाते हैं यहीं पे, जब तक वो लोड हो रहा है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन से कंपोनेंट की मैं बात कर रहा था, पुल टू रीफ्रेच। ये नहीं, शायद यही था, हाँ ये था, आप पुल करते हैं, ये देखें, ये काफ़ी अच्छा कंपोनेंट था। इसके अलावा और भी काफ़ी इसमें अच्छे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी ना इसमें आवर सिस्टम्स कंपनी, ये क्या है, खैर इसको मैं बाद में रीड कर लूँगा। ओके, अभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बाहर चला गया। यहाँ पे मुझे कंटेनर चाहिए, बॉक्स, यहाँ बॉक्स की ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट इसको क्लास नेम कंटेनर दे सकता था। ओके, और आप चाहें तो इसको ब्लॉक है, ब्लॉक या साइज विड्थ नो, क्लास नेम विड्थ फुल, और विड्थ 100%, अगर आपका इस तरह आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जैसे भी आप करें। मैं इसको ये क्लिक करें, ये रिफ्रेश करेगा और मीन के उस डाटा को जो है उसकी क्यूरीज के साथ रिफ्रेश करेगा। ओके, अभी के लिए मसला क्या हुआ है, यहाँ पे आते हैं नेटवर्क में, गेट यूजर फीड, इसमें क्या रिजल्ट आया, इसमें डाटा है तो सही, रीफेच डाटा, इसमें तो कोई डाटा नहीं था आना, इसमें भी नहीं था आना, इसमें ये जेनेरिक डाटा आ रहा है, नहीं आ रहा,
इसमें आना चाहिए था, एपीआई वाले में आना चाहिए था। ये जो है ये मतलब ये तो ये न्यूयॉर्क टाइम में जेनेरिक आ रहा है, इसमें आना चाहिए था डाटा। ओके, इसमें जेनेरिक, इसमें क्यों नहीं डाटा आया? यहाँ पे वापस आते हैं। मेरे ख्याल से जो मसला हो रहा है वो सोर्स यूआरआई की वजह से हो रहा है, क्योंकि कैटेगरी भी ऑलमोस्ट ओके है और बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट ओके हैं, ये जो सोर्स यूआरआई है इसमें मसला है। इसको अगर मैं 2 मिनट के लिए रोकूं, यहाँ पे आऊं और रिफ्रेश करूं डाटा को, अभी भी कुछ नहीं। ओके, अगर मैं इसको भी रोक दूं 2 मिनट के लिए, रिफेच करूं, अभी भी कुछ नहीं। अच्छा, इस चीज़ को मैं देखना चाह रहा हूं कि ये क्या मीन के ना, क्या सेंड क्या कर रहा है इसको। तो इसको मैं फिर यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, लेट्स से कि इसकी जगह ये कर लेते हैं। नल, ओके, इसकी जगह ये, और अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मुझे ये जो है ना क्यूरी एक चाहिए। ओके, ऑथर यू आर ये कह रहा है, अगर नहीं है तो इसको फारग कराओ, और ये दोनों चीज़ें मुझे रिजल्ट में चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि ओके क्या हो क्या रहा है। ऑथर्स ये क्या कह रहा है, ये तीनों चारों चीज़ें मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। क्योंकि इसका तो डाटा आना चाहिए था, आगे तो चले मैं सच उस तरफ से नहीं था कह सकता कि डाटा है कि नहीं है, लेकिन अब तो मैं कह सकता हूँ कि डाटा है क्योंकि मैंने उसके सोर्सेज यूज़ किए हैं। रिफ्रेश करें, ओके, ऑथर्स जो है वो तो ज़बरदस्त है, जैसे होना चाहिए वैसे ही है, ऐसे ही होना चाहिए। क्यूरी ये काम कह लें कि ऑलमोस्ट ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये नहीं सही हो रहा। अच्छा, पीएचपी, लारावेल, क्लाइंट, पास, स्ट्रिंग, अरे इन क्यूरी पैराम्स। ओके, नहीं ये नहीं ना चलेगा, ये वाला काम नहीं चलना। यही है कि फिर हम यू आर एल ही कस्टम बनाए, क्योंकि ट्राई कर लेते हैं, चलें 1 मिनट, लेकिन ये नहीं चलना क्योंकि ये ओके, ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और बाकियों को मैं स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ एक को देख सकूँ, उसमें से डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें से आएगा, क्योंकि बाकियों में तो ऐसा कुछ है भी नहीं ना, तो उसको देखने का कोई फायदा भी नहीं है। मेन का डाटा दिखाएं, और मेन में ये ऑथर्स को सिर्फ अभी ट्राई करते हैं,
इसको कलेक्ट करते हैं। इस वीडियो में यही कलेक्ट हो जाएगा बहुत। ये आ गया URI एक्सपोर्ट ऑथर्स, और यहाँ पे मैं इसको एज इट इज ही पास कर रहा हूँ, लेट्स सी, क्योंकि ये यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कॉमा सेपरेटेड, लेकिन ये क्योंकि उससे ही नहीं ना सपोर्टेड, API से नहीं सपोर्टेड, इस वजह से मुझे मसला है। नहीं तो देख लेते हैं, ये किया और यहाँ पर भी यही कर लेते हैं ताकि मुझे पता रहे कि ओके मैंने किया क्या था। मैंने न्यू ऑथर्स को एज इट इज़ उसके इक्वल कर दिया, इसको ख़त्म करो। मैंने क्या किया, मैंने न्यू ऑथर्स को एज इट इज़ उसके इक्वल कर दिया। अच्छा जी, ये मैंने सेंड किया, अब देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश करो और कोई डाटा नहीं आया, पर आप देख सकते हो कि मैंने जो ये है, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। अब जो काम मैं बेसिकली कह रहा हूँ वैसे करते हैं, वो ये है कि हम इसमें इसके URL को कस्टमेट करते हैं। ये जो क्यूरी है इसको कुछ देर के लिए साइट पे कर देते हैं, हेडर्स सिर्फ पास करते हैं ऐसे, बाकी जो सारा स्ट्रिंग है वो खुद बनाते हैं, और मतलब कि ये URL को खुद बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा URL, और ये URL यहाँ पे ऊपर बनाना है, URL ये है, और इसके एंड पे ये आ जाएगा। अब यहाँ फिर क्यूरी ऑप्शंस को ऐसे कह देते हैं कि क्यूरी ऑप्शन जो है इसका मैं एक बैकअप ले लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी अब ड्रास्टिक चेंज होने लगा तो मसला ना हो जाए खराब। सारा कुछ कमेंट कर देते हैं, कमेंट नहीं कर सकते तो इसका कम से कम नेम चेंज कर देते हैं, बैकअप। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब इसको देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले जो क्यूरी है उसको मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए, ओके, डॉट इक्वल डॉट एंड इक्वल डॉट, और उसके बाद डॉट एंड इक्वल 31st। बेसिकली जो इस तरह की वैल्यूज़ है ना उसको एक ही फिल्टर में कर देते हैं बजाय इसके कि ज़्यादा है इस तरह करने के। ये ठीक है, एंड इक्वल एंड यहाँ पे अब ये डॉट चाहिए, जो थोड़ी बहुत हैं इस तरह की वैल्यू उनको डॉट चाहिए, अदरवाइज एंड से काम चल जाएगा। यहाँ पे भी डॉट चाहिए, एंड इक्वल डॉट, ये हुआ। और ये बेसिकली यहाँ पे सारा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड पे URL इक्वल टू URL डॉट क्यूरी, दोनों को मिक्स कर दो, और ये बेसिकली इस तरह है, तो इसको भी ये कर दो। अब यहाँ पे आते हैं कीवर्ड्स वगैरह, इनको मैं बाद में करूँगा, इसको भी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और इस चीज़ को अब मैं इसके साथ कर रहा हूँ कि ये ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑथर्स को। ऑथर में अब क्या हुआ, मैंने कहना है कि क्यूरी जो है वो है क्यूरी प्लस सॉरी डॉट एंड इक्वल दिस, अगर तो वो है, और अगर ऊपर वाली है तो फिर बेसिकली
सेम ही होगा, बस ये काम होता जाएगा कि ये है सेम ही, लेकिन यहाँ पे ऑथर आता जाएगा। इसको आप ट्राई करते हैं, और मुझे ये यूआरएल भी यहाँ से वापस चाहिए, तो ताकि मैं देख सकूं कि अच्छा इसने यूआरएल क्या दिया था। तो ओके ओके डाटा ये, और इसको ऊपर कर लेते हैं, डाटा दिस, और साथ में जो भी और हमने रिटर्न करना है उसको कर लेते हैं। लेट्स से के यूआरएल, ताकि मुझे समझ लगे कि ओके मैंने क्या बनाया क्या, और क्यूरी को भी देख लेते हैं ताकि क्यूरी की भी समझ लगे। क्यूरी दिस, ये हो गया, और इसको अब ऊपर जाके हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ये बेसिकली लेट्स से के जो इसका थोड़ा सा इसको अपडेट कर देंगे, इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा रेस और एक आएगा डेटा। तो ये चीज़ इसके रेस के इक्वल होगी, और इसमें से जो डेटा होगा वो इस रेस के डेटा के इक्वल होगा। और यहाँ पर ये चीज़ डेटा में आएगी, और बाकी इसमें से मैं डिलीट पीएचपी में ये डिलीट का था, बस एक मिनट, कैसे करना था, रिमूव ए लाइक फील्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट पीएचपी। अनसेट कर लो, नहीं तो वो दूसरा तरीका भी ज़रा आसान है, जैसे भी करना है मतलब कि इसके डाटा, मैं सब ये चाह रहा हूँ कि चले ये डाटा दो दफ़ा ना हो, अनसेट करके पहले देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं जैसे। वेल इसको ट्राई करते हैं, एरर ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये चलो सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बताया कि मैं उसको वो नहीं करना चाह रहा, नहीं देखना चाह रहा कि इसने क्या डाटा, नहीं तो इस तरह दो वायर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, सिंपल आसान अल्फाज में बताऊँ। ये किया, इसको रिफ्रेच करो, और इस दफ़ा रिजल्ट्स आए हैं ज़बरदस्त, और यहाँ पे आते हैं और रिज़ल्ट ये देखते हैं कि ये क्या बना था, कहाँ पे है लेस, और ये यूआरएल बना है ज़बरदस्त, ये हमारा पूरा यूआरएल बन गया जो कि मतलब जैसे भी है। तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं बजाय इसके कि हम अपना करें। ओके यहाँ पर ये हमारा जो काम है प्रॉपरली हो गया, अब हम बस इसके बाकी जो यूआरएल है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये है तो बस फिर हम सेम काम करेंगे, इसी को मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ से, और मेरे ख्याल से यहाँ पर फिडल में मैं ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन पीएचपी में भी मेरे ख्याल से ये चीज़ होनी चाहिए। लेट्स से के यहाँ पे ए या एस व्हाटसोएवर कोई फर्क नहीं पड़ता, और एस प्लस इक्वल टू सॉरी लेट्स से के दिस रिव्यू चलता है। ओके इतना बड़ा ऑपरेशन तो नहीं था ये, इसको कॉपी कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, शायद ये स्टक हो गया या जो भी इसको मसला होगा। ओके मैं इसको
कॉपी करके बंद करके दोबारा ओपन करा रहा हूँ, क्योंकि वो रिफ्रेश भी नहीं हो रहा, और बाकी चीज़ों को मैं क्लोज़ करा रहा हूँ क्योंकि शायद इससे भी शायद इसमें कोई मसला हो रहा है। टास्क तो छोटा सा ही था, और ऐसे करने की बजाय मैं यहीं पे डायरेक्टली कर लेता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से हो जा रहा। तो ये हो जाएगा लेट से प्लस इक्वल, अगर यू आर एल सही बन जाएगा मतलब ये काम चलेगा, अगर नहीं बनेगा मतलब ये काम नहीं चलेगा, सिंपल। और इसी को दोबारा कॉल कर लेते हैं, और उससे पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पर कमेंट नहीं करता, इसको ऐड कर लेता हूँ। कीवर्ड सेव और रिफ्रेच, ये क्या हुआ, बैकेंड्स रखो ये क्या हुआ क्या, ओके एक दफा फिर ये क्या हो रहा है, ओके मतलब ये नहीं जा रहा व्हाट्स एवर, और उसको वापस आ जाए उस पर जो था वैसे गल ये, और कीवर्ड ये सेव, और यहाँ पर आके रिफेच, और ठीक है ये बेसिकली वहाँ पे है जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में फैल नहीं व्हाट्स एवर, देख लेते हैं डाटा आता है तो वेल एंड गुड। इसी तरह मैं फिर बाकी यूआरएल्स को भी अपडेट कर दूंगा ताकि उनकी भी जो फॉर्मेट हो वही मीन, मेरे कहने का मतलब है बाकी जो फंक्शंस हैं उनका भी यूआरएल बना के उनको बेसिकली यूआरएल में अपेंड करवा देंगे ताकि ये वाला जो मसला है ये ख़त्म हो जाए। और हमारा यहाँ पे डाटा आ गया डन, हम क्विकली ये बाकी जो हैं यहाँ पे इसको फिनिश कर लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इसे हम कमेंट कर लेंगे और कॉपी पेस्ट स्टार्ट डेट ये सॉरी, और उसके बाद फिर इसको अनकमेंट कर लेंगे एंड डेट, इसके बाद इसको अनकमेंट कर लेंगे। इसको अनकमेंट करने के बाद मैं एक दफ़ा कॉल भी कर लूँगा यहाँ, फिर मैं सारा कंप्लीट करने के बाद ही करूँगा क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं। अच्छा ये क्या चीज़ है, इसको फ़िलहाल कॉपी एक दफ़ा कर लूँगा यहाँ पर, ये यू आर आई आ जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी ठीक है, उसके बाद इसको ही कॉपी कर लूँगा ये आ जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी, उसके बाद इसी कॉपी पेस्ट कर लूँगा ये आ जाएगी और ये आ जाएगी, उसके बाद इसे ही कॉपी पेस्ट, इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इसके साथ रिप्लेस कर लूँगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे इसके साथ रिप्लेस कर लूँगा, और इसको कॉपी करके यहाँ पे इसके साथ रिप्लेस कर लूँगा, और लास्टली इसको कॉपी करके यहाँ पर इसके साथ ऐसे रिप्लेस कर लूँगा, और इसको ख़त्म कर दूँगा, इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर इसके साथ ऐसे रिप्लेस कर लूँगा, और यहाँ पर कैटेगरी कर लूँगा, दैट्स इट, ये सेम हो जाएगा। इसको भी क्विकली पहले इसको फैच कर लेते हैं ताकि अगर कुछ मसला हो गया तो भी पता चल जाए, बजाय इसके कि हम सारा करके बाद में मसला ढूंढते रहें। ओके ये चल गया हमारा, और यहाँ पर अगर आप रिजल्ट भी देखना चाहें एटलीस्ट डाटा आ रहा है, मेन सिर्फ ये है कि कुछ डाटा आ जाए दैट्स इट लिटरली, और बाकी अभी उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो डाटा आ जाए बस कुछ ताकि हम शो करवा लें फ्रंट एंड पे, और बाद में ऑब्वियसली हम इसको कर सकते हैं जितना चाहें उसको। ये यू आर आई दो तीन दफ़ा आ गया, ओके बेस्ट है, कैटेगरी यू आर आई दो तीन दफ़ा आ गया, नेक्स्ट अब सोर्स यू आर आई मुझे चाहिए। होपफुली आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं करना चाहें, अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये इधर आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर लें, और ये आइटम आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद इसको कॉपी कर लें यहाँ पे पेस्ट कर लें, और ये सोर्स आ जाएगा।
यहाँ पे ये चीज़ हमारी हो गई है, एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लेंगे। ओके, नो डाटा। मसला ये हुआ है कि वो सोर्स जो है उसका मसला है। तो यहाँ पे आके कुछ मैंने सोर्स क्या क्या प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे आके ना इसको देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर ये रेस URL और सोर्स, ये रहा सोर्स क्या है, ABC ये वगैरह वगैरह। यहाँ पे आते हैं, इसके जल्दी से सोर्सेज देखते हैं कि सोर्सेज में क्या डाटा इसका चाहिए इसको। अच्छा जी, अब मैं वैसे कॉपी तो URI ही कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मसला हो रहा है। नेम जो है ना इसका, मैं यहाँ पर ओके, रिफेच। मसला ये है कि वो जो दूसरे सोर्स हैं ना, जो दूसरे सोर्सेज हैं वो मसला कर, इनको क्लियर करते हैं। ओके, अच्छा ये बेसिकली क्लियर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फ्रंट एंड में आता हूँ और बेसिकली फॉर्म फील्ड्स में फॉर्म, लेट्स से कि वैलिडेशन जो है, वैलिडेशन स्कीमास, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो। इसकी मतलब ज़रूरत नहीं है। और न्यूज फीड रेफरेंसेस फॉर्म वैलिडेशन स्कीमा, ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह से यहाँ से थोड़ा बहुत जो काम है ये हुआ, ये हुआ और सबमिट करवाया और अब रिफ्रेश किया डाटा। ओके, मसला ये हुआ है कि ये जो सोर्सेज थे ना वो उसने एक्सेप्ट नहीं किए, मतलब कि ये एम्प्टी हुआ है। तो उसने कहा कि नहीं, बेसिकली मुझे कुछ डाटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है, जो भी आ रही है वो गेट कर लेंगे। यहाँ पे एक दफ़ा फिर सबमिट करेंगे, होपफुली इस दफ़ा ये अपडेट हो गया, डन है। और अब रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और इस दफ़ा एटलीस्ट एरर, बस ठीक है। और अगर मैं इसको क्लियर करके इसको एंटरटेनमेंट में ले जाता हूँ, सबमिट, रिफ्रेश,
तो एंटरटेनमेंट में जो पोस्ट हैं वो इस तरह की आ रही हैं, क्लियर, स्पोर्ट्स, सबमिट, वीफेच, उसमें जो पोस्ट हैं वो इस तरह की आ रही हैं, और क्लियर, बिजनेस, सबमिट, वीफेच, उसमें जो बिजनेस में कुछ भी नहीं आया, इनको क्लियर कर देते हैं। और सॉरी, ऐसे नहीं होगा, इनको क्लियर करके सबमिट, वीफेच, और इसमें भी कुछ नहीं आया, ठीक है, तो सबमिट। और अब एक काम ये करते हैं कि सबमिट पे भी रीफेच कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर बेसिकली ये सबमिट हो चुका है। रीफेच ऐसे करें तो एटलीस्ट कुछ डाटा होना चाहिए, क्योंकि अब मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। ओके, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि सबमिट पे भी रीफेच हो। यहाँ पे आए और इसको ख़त्म कर दो, और ये कहाँ पे कॉल हो रहा है, यूज़र फीड में आ जाते हैं, यहाँ पर रीफेच डाटा ये, और रीफेच ऑन अपडेट, ये इसको कॉल करेगा, इसको सेव करें, यहाँ पर आ जाएं, और ये बेसिकली बस एक मिनट, ये प्रॉमिस है कि क्या है, ये प्रॉमिस है। ओके, मीन यहाँ पे अवेट कर सकता हूँ मैं एसिंक लगा के। ओके, तो इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि प्रॉमिस यहाँ पे मैं फिर इस तरह करने के बजाय एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूँ। कॉन्टेक्ट ओके, एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट, न्यूज फीड कॉन्टैक्ट्स, यूज कॉन्टैक्ट्स नहीं, क्रिएट कॉन्टैक्ट्स, और बेसिकली इसकी जो टाइप है वो ये होगी, रीफेच ऑन अपडेट, जो के मैं होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं जो चेन हेल है उसको कम करना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आए वापस इसमें, और इसमें ये कॉन्टैक्ट्स क्रिएट होगा, यहाँ पे बेसिकली कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइडर,
यूज़ करेंगे, और उसके लिए मैं वापस इधर आऊँगा क्योंकि मुझे एक चीज़ नज़र आई है। न्यूज़ कॉन्टैक्ट्स इस तरह करेंगे, यहाँ पर आके मुझे ये चाहिए, कहाँ पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इधर चाहिए, और प्रोवाइडर और वैल्यू, और उसमें बेसिकली कॉन्स्ट न्यूज़ फीड कॉन्टैक्ट्स वैल्यू यूज़ मीमो, और ये डिपेंडेंट होगा इस चीज़ पे, और ये रिटर्न करेगा ये, और ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसको क्या मसला है, वट एवर। इसमें मसला क्या है, इसको सॉरी वैल्यू का मसला है। सॉरी। अच्छा, और अब बेसिकली हम ये करेंगे, अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो करने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे ये दो तीन लेवल मुझे यहाँ पे गेट करना था, इसको पास करना था, इसने गेट करना था, और नीचे इसको पास करना था, वो एक किस्म का सर दर्द हो जाने था। अब सीधी सीधी वैल्यू यहाँ पे चाहिए। हो गया, और बेसिकली यहाँ पे ये सारा कुछ करने के बाद ऐसे नहीं होता, अगर ये है तो इसको कॉल कर लो और इसको अवेट भी कर लो, और दैट्स इट। ये सक्सेस का मैसेज इसके पास शो करवा, जस्ट इन केस था कि अगर कोई उस माइंडसेट का बंदा है तो उसको मसला ना हो। ये क्या कह रहा है, अच्छा ये मैंने क्योंकि रिमूव कर दिया, ये ले। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ बिजनेस नहीं, इसको ख़त्म करो, एंटरटेनमेंट सबमिट, तो जैसे ही सबमिट होगा उसके बाद वो रिफ्रेश करने लग पड़ेगा और डाटा अपडेट हो जाएगा। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए। एक चीज़ जो कि मैं यहाँ पर अपडेट करना चाहूँगा वो ये है कि बस ठीक है, यूज़र फीड में यहाँ पे एक चीज़ बस मुझे अच्छी नहीं लग रही, वो ये है कि जब ये फेचिंग में जाता है तो ये सारा ऐसे फैच करने लग पड़ता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि ठीक है, प्रोसेसिंग ये वगैरह वगैरह, मैं इधर आता हूँ और इधर बेसिकली यहाँ पे मैं ये करने लगा हूँ। ये क्या हो रहा है, ये हो गया। यहाँ पे मुझे एक और चाहिए, कॉन्स्ट प्रोसेसिंग एपीआई रिक्वेस्ट यूज इस फेचिंग, और यहाँ पे गेट रिएक्ट क्यूरी की, जहाँ पे रिएक्ट
क्यूरी इनम डॉट गेट न्यूज फीड। अच्छा क्या मसला क्या इसमें? ओह सॉरी क्यूरी की ये, अब क्या मसला है इसमें? अच्छा नहीं ये ऑप्शनल है ना, है तो ठीक है नहीं तो ना सही। ग्रेटर देन जीरो और ये ठीक हो गया, हालांकि ये काम डायरेक्टली, खैर अभी मैं इसको रहने दूंगा। और यहाँ पे अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो काम है वो मैं नॉट एरर अगर फेच कर रहा है, अगर एरर है तो ये कर दो, अदरवाइज डाटा है तो ये कर दो। ठीक है ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ एल्स, और इसको मैं अभी करता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं मेनली इस चीज़ में कर रहा हूँ, लेट्स से के इज फैचिंग अगर ये चीज़ है तो ये कर दो, और अदरवाइज चलो यहाँ पे अब मैं बिजनेस करता हूँ, यहाँ सपोर्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ तो ये रिफेच हो रहा है और ऑप्शंस ऊपर वैसे ही होते हैं। एक और दफ़ा, और ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर अगर हम डिसेबल एक्शंस कह देते हैं, डिसेबल एक्शन फॉर्म एक्शंस कॉन्स्ट डिसेबल फॉर्म एक्शंस ये, और यहाँ पर डिसेबल्ड नहीं है, सेलेक्ट में आते हैं, डिसेबल्ड यहाँ पे और डिसेबल्ड इज डिसेबल्ड और डिसेबल्ड डिसेबल्ड फॉर्म एक्शंस। लेट्स से के जो ऑथर है इसको करते हैं, सबमिट करते हैं, और अब इसको क्लियर कर देते हैं, सबमिट। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम बेसिकली जो बैकएंड में बाकी फंक्शंस हैं, क्योंकि ये फंक्शन ओके है इसको क्लोज कर देते हैं, इस फंक्शन को क्लोज कर देते हैं, ये हमारा ओके है, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ये जो दूसरे फंक्शंस हैं उनको भी इसी तरह उनके यूआरएल पैरामीटर को अपडेट करना है, ताकि वो यूआरएल में ही अपेंड करता जाए और ये क्यूरी पे हम डिपेंडेंट ना रहे। ये काम अब हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो
वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.